पता है, जिंदगी में मौके कई बार आते हैं पर अक्सर हम उन्हें नजरअंदाज कर जाते हैं। ऐसा ही एक मौका फिर आया है, मर्जी आपकी है, फायदा और नुकसान भी आप ही का है। चाहे तो घर बैठकर देश की कमियां गिनाएं या घर से निकलकर अपने वोट से अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। तो कहता है आलीशान, अगर बढ़ानी है देश की शान तो करना पड़ेगा मतदान। आलीशान, नंगा पुतला चौक, गांधी बाग, नागपुर। आलीशान की ओर से जनहित में जारी। दो लोगों पर धारदार हथियार से कातिलाना हमला करते हुए उनकी हत्या करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार करने का दावा अकोला पुलिस ने किया है। आरोपियों में नाबालिग भी शामिल है। हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों ने अपने इकबालिया बयान में कबूल किया है कि दोनों हत्याएं उन्होंने ही की है। आपको बता दें कि बुधवार एवं गुरुवार की मध्यरात्रि में रेलवे स्टेशन चौराहे पर 30 साल के अतुल लक्ष्मण थोरात पर जानलेवा हमला किया गया जिसमें उसकी मौत हो गई। इस वारदात के कुछ देर ही बाद देशमुख फैल के 19 वर्षीय राज संजय गायकवाड़ पर भी धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया और उसे भी ढेर कर दिया गया। इन दोनों मामलों में रामदासपेट पुलिस ने हत्या के 2 मामले दर्ज किए हैं। आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। आरोपियों की पहचान होने से पुलिस तीनों आरोपियों को दबोचने में कामयाब हुई जिनमें मनीष शरद भाकरे और ऋषिकेश दीपक अपोतिकर के अलावा एक नाबालिग भी शामिल है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे और पुलिस शहर पुलिस उप अधीक्षक सतीश कुलकर्णी के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक मनोज बहुरे, एपीआई केडी पवार, महिला पीएसआई मीरा सोनू ने, एएसआई सदाशिव सूडकर, हेड कांस्टेबल शेख हसन, किरण गवई, श्याम मोहले, अनिल धनभर, संदीप वानखेड़े, पूजा यन देने की करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक श्री बच्चन सिंह सर, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अभय डोंगरे सर, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सर विभाग श्री कुलकर्णी सर, इनके मार्गदर्शन पे पुलिस स्टेशन स्तर पर पथक तैयार करके इस दोनों जो घटना घटी है खून की उसका तपास शुरू किया गया। घटनास्थल ने पर जो प्राप्त जानकारी सीसीटीवी द्वारा और कुछ गोपनीय खबर के द्वारा प्राप्त की गई और उसमें आज 2 आरोपी और एक विधि संघर्षग्रस्त बालक को ताबे में लिया गया है। उनके पास किए गए तपास में रेलवे स्टेशन चौक में घटी हुई घटना और देशमुख फैल में घटी हुई घटना दोनों में सेम आरोपी निकल के सामने आए। दोनों घटना ये तीनों ही आरोपी ने संगनमत करके अंजाम दिया है। NBC न्यूज के लिए अकोला से अजगर खान की रिपोर्ट।